तो हेलो फ्रेंड, आप सभी को हमारे चैनल और इंटरनेट हेल्पर में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे एक बड़ी खबर, जो फ्रेंड ओडिशा में रहते हैं या बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा की तरफ से एक बड़ी खबर दिया गया है। यहाँ पे रहने वाले जितने सारे फ्रेंड हैं उन सभी की टेट, जिसको ओटेट के नाम से जाना जाता है, उसका तारीख यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे और यहाँ पे आपको ऑफिशियल साइट से भी कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे, साथ में जो नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है उसी को हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल योर इंटरनेट हेल्पर को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी जानकारी आपको आसानी में मिल जाए। तो यहाँ पे अगर साइट पे देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं ओडिशा से एजुकेशन बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। ओटेट एग्जामिनेशन जो यहाँ पे न्यू वाले ऑप्शन देख पा रहे हैं, यानी आपकी टेट रिगार्डिंग यहाँ पे साइट पे भी इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। अगर नोटिस की बात की तो यहाँ पे आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा कटक नोटिफिकेशन नंबर 393 ओटेट 1890 DT 12/7/2019। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अपियरिंग एट द ओडिशा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो ओटेट के नाम से जाना जाता है, 2018-19 पार द फॉलोइंग गाइडलाइन। तो यहाँ पे अगर पहला इन्फॉर्मेशन देखें तो एप्लीकेशन शैल बी रिसीव थ्रू ऑनलाइन मोड only on visiting link website www.bseodisha.nic.in। तो यहाँ पे अगर देखें तो आपको अगर अप्लाई करना है और या जिनको ये एलिजिबिलिटी है तो वो कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, bseodisha.nic.in वाली साइट से ही आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद अगर देखें तो दो नंबर ऑप्शन में जो दिया गया है, ऑनलाइन लिंक विल बी अवेलेबल 24/7 फ्रॉम 15/7/19 10 AM till 26/7/19 5 PM। तो यहाँ पे अगर देखें तो देख सकते हैं आपको 15 जुलाई से शुरू होगा और 26 जुलाई तक यहाँ पे चलेगा आपके ऑनलाइन आवेदन। उसके बाद अगर देखें तो आपको जो पेमेंट करना होगा वो 29 तारीख आप 4 बजे तक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि जो जिन्होंने 2018 में टेट के लिए यहाँ पे देखें तो द कैंडिडेट होज रोल नंबर्स वो यार जनरेटेड फॉर अपियरिंग एट द ओटेट 2018 हैव टू वंस अगेन फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अपियरिंग एट द ओटेट 2019 विदाउट द रिक्वेस्टेड फीस। दिस कैंडिडेट शल लॉग इन विद द देयर रोल नंबर ऑलरेडी जनरेटेड फॉर ओटेट 2018 एंड डेट ऑफ बर्थ। दे शल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपियरिंग एट द ओटेट 2019 इफ दे डू नॉट अप्लाई ऑनलाइन फॉर ओटेट 2019। तो यहाँ पे एक बड़ी खबर यहाँ पे दिया गया है, जिन्होंने 2018 में ओटेट या ओडिशा टेट के लिए आवेदन किया था या फॉर्म भरे थे, उन सभी के लिए यहाँ पे भी फिर फॉर्म भरना होगा। लेकिन उनके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे दिया गया है, उनको क्या करना होगा, उनको सिर्फ उनका रोल नंबर ही डालना होगा और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद उनका सारी ऑप्शन लॉगिन होके आ जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपको अपना फॉर्म ठीक ठाक भर दे, उसके बाद आपको कुछ फ़ी भी नहीं देना पड़ेगा क्योंकि आप 2018 में फ़ी दे चुके हैं। इसलिए इसके लिए आपको ये बात ध्यान देना होगा, आप इन सारे ऑप्शनों की तरफ ध्यान दें और ओडिशा टेट जो काल से शुरू होने वाला है उसके ऑनलाइन आवेदन, हम आपको सारी जानकारी देने की भी कोशिश करेंगे। आप कैसे आवेदन करें, उसके लिए कैसे फॉर्म भरें, हम आपको जानकारी देने की भी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए और अपने फ्रेंड को भी इस बारे में इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करें कि उनकी टेट की ऑनलाइन काल से ही शुरू होने वाला है।